सर फिर आगे काम करने जा रहे हैं वो टीचरों की भर्ती बड़ा करने जा रहे हैं, जो अभी तक हमने किया चाहे वो टैब देने की बात है, चाहे स्कूल में जिस प्रकार से हमने भी अभी बहुत बड़ा काम हम करने लग रहे हैं इस टाइम, कि हमने हर स्कूल में जो है जो भी उसकी जरूरत है वो एक से ले एक हजार से लेकर 25 लाख तक जो भी उसकी डिमांड है वो भेजे, और हम 25 लाख तक स्कूल में दे रहे हैं कि भाई अगर आपका रास्ता खराब है रास्ता ठीक कराना, चार दीवारी आपने करानी या शौचालय ठीक कराना या नया बनवाना आपने, या पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, या बाहर सुंदर करने के लिए आपको कुछ करना है, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, 7 चीजें हमने दी। तो ये कोई भी अगर काम आपको लगता अधूरा है तो आप हमें उसका एस्टिमेट बनाएंगे जो हम सीधा सीधा स्कूल को पैसा दे रहे हैं। हाँ ड्यू डेक्स है आपका तो उसके लिए हम सीधा सीधा पैसा दे रहे हैं, और जो हमारी एसएमसी है वो और हमारा जो हेड टीचर वो मिलकर उसकी खरीदारी कर रहे हैं या उसका ठेका दे रहे हैं, तो उससे तो काम भी क्वालिटी भी अलग रहेगा, उसकी उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और जल्दी होगा, बहुत जल्दी काम होगा। तो हमने उसको शुरू कर रखा है, आने वाले साल में उसको कंप्लीट कर देंगे सारे के सारे को, और इस प्रकार से हमने टैप दिए। अभी हमने उसको पूरा फोकस है हमारा कि वो ठीक तरीके से बच्चे उसका इस्तेमाल करें, हमने पूरा उसके ऊपर एक अधिकारी की जिम्मेदारी लगाई है कि वो सारा का सारा उस पर वो उसकी मॉनिटरिंग करें ताकि वो ठीक तरीके से सुचारू रूप से चले। और दूसरा तीसरा काम जो है वो बहुत बड़ा काम जो हम करने लग रहे हैं वो टीचरों की भर्ती है। अब की बार जो टीचरों की पूरी भर्ती होने के बाद मैं समझता हूँ किसी स्कूल में कोई भी जगह ऐसी खाली नहीं रहेगी, हर बच्चे के पास टीचर हो जाएगा। कम हमारे पास काफी टीचरों की कमी थी और उसकी भर्ती लग गई, मैं समझता हूँ उसके बाद बहुत अच्छा होगा।